हाय गाइस, साउंड को नमस्कार सभी लोगों को। एक नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो कल रात ये हुआ गाइस, चार बार उल्टी हो चुकी है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और समझ भी नहीं आ रहा है। तो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे लिए दुआ करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो कल रात बड़ी तकलीफ़ हो गई, बड़ी दिक्कत हो गई। मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा नहीं बहुत ठीक है, 70% ठीक है। पता नहीं क्यों ठंडी लग गई थी कि क्या हो गया था, उल्टी 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 उल्टी, सर पकड़ के इतना दर्द, बाप रे बाप। किसी भी तरह खैर अब निकलना है, निकलने का प्लान था नहीं लेकिन निकलना पड़ेगा। वैसे भी मुझे पता था यहाँ 2 दिन तो रहना ही है, 2 दिन कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। अब यहाँ का हिसाब करके यहाँ से निकल रहा है, नीचे जा रहा है और मनाली से दिल्ली की बस देखेंगे, फिर दिल्ली में हो सकेगा एक दिन के लिए रुकेंगे, नहीं तो फिर कानपुर। ठीक है, तो गाइस फाइनली यहाँ से निकल रहा हूँ और आंटी का चल के अभी पहले बैग बांधनी है, बांधना है उस रस्सी से। आंटी ने बहुत साथ दिया, चलो पहले बैग तो बांधो। पहले बैग बांध दो उसको। अदरक वाली हो जाए तो अदरक वाली चाय, अदरक वाली चाय जी, अदरक वाली चाय बना देना है ना, एक बिना चीनी की, एक बिना चीनी की। अच्छा, क्योंकि उसको डायबिटीज है ना। अच्छा, एक बिना चीनी की सब के लिए बनाओ, यहां बैठ के पिएंगे फिर सभी। हां, कॉफी के और चाय बहुत अच्छा लगा अंकल यहाँ पे आके। चलो अच्छा लगना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। ये एक ग्लास चाय हम लोग की आंटी की अंकल की तरफ से। अभी निकलेंगे यार थोड़ी देर में। ये है जिस्पा, दारा लाचा के पास, दारचा के पास, गेमर नॉर्थ लीजर गेम्स। हाँ कैस्पर, चलो कैस्पर। वाओ वाओ वाओ, हर आदमी इस दुनिया में अपना अपना नसीब लेके आता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे बच्चे हो, समझो, चाहे बीमारी हो। अब देखिए 19 साल की उम्र में डायबिटीज हो गए इनको, इंसुलिन लेते हैं 3 टाइम। अच्छा, हाँ, पेट में तभी खाना खाते हैं। अच्छा, हो गई हो गई, नहीं कर सकते कुछ। अच्छा, एज कितनी है? 21 है। 21 साल। अच्छा, ये कोई उम्र है? शुगर 5-6 तो जब होती तब तो इंसुलिन लेना पड़ेगा। यू भाई, सारी जिंदगी का है। अब रोए सब लोग, खूब रोए, लेकिन क्या करें, फेस करना है। अरे यार भाई, आएंगे आएंगे, छोटे छोटे साथ में आना यार मेरे, इंशाल्लाह लद्दाख चलेंगे हम लोग। अभी यहाँ से लद्दाख सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। जिंदगी है ना, अप डाउन होता रहता है, सबके साथ होता रहता है। आपको लगेगा सिर्फ आपके साथ है, नहीं, सबके साथ। मैंने ये बात निरंकारी बाबा नहीं थे, हरदेव सिंह जी, उनके साथ की थी। कोई 10 मिनट का टाइम मिला था मेरे को उनसे बात करने का, फिर मैंने उनसे बात जरूर की। कामिल जरूर, बेटी वही बोलती है, पापा ससुराल भी देख लिया है, हस्बैंड भी देख लिया है, कहीं उससे गंदा मिल जाए मुझे। सही 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 सही, अच्छे की तलाश में ही तो होता है। बिल्कुल,
अपनी लाइफ जी रही है और दूसरा आदमी पता है फायदा उठाता है इस चीज का बहुत बुरी तरह से। जो आपकी बेटी ने अभी जो आपने लिख कर लेगी बना लेगी हो जाएगा सब हो जाएगा अंकल अब बाप है आपसे ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं होगी लेकिन फिर भी आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो हो जाएगा। मम्मी मेरी 31 साल की थी बताया ना मैंने जब मम्मी भी चाहती शादी करती थी बहुत खूबसूरत नहीं की शादी हम लोग हैं सब लोग नेक्स्ट टाइम लाओ मम्मी के साथ आओ मम्मी के साथ आएंगे मनाली वगैरह रुकने की जरूरत नहीं पर ये आना कि मई लास्ट में जैसे आना मई लास्ट में जून में आ जाना। चलिए अंकल चलो यूब बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के आना दोबारा जी है ना मम्मी को जरूर साथ है ना आ रही है जी आ रही है बैग ले लो तो फाइनली गाइस अब अलविदा ले रहा हूँ आंटी के पैर छुए मैंने सीने से लगाया गले लगाया बहुत एकदम माँ वाला फील आया इन्होंने बहुत ख्याल रखा और अंकल के भी मैंने पैर छुए इनको भी एकदम पापा वाला फील आया था मतलब इन्होंने वहाँ पे ये जाहिर नहीं होने दिया कि किस तरीके से मेरी तबीयत ख़राब है मेरी इन्होंने बोला कि बेटा बिल्कुल भी नहीं डरने की बात है अपने पास कार है हम लोग केलोंग लेके चलेंगे मेरा बेटा अगर ज़रा से भी तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई तो वो हिम्मत थी जो मैं ठीक हो गया रातों रात और आंटी मेरी फ़ैन भी है तो उस हिसाब से इनको और भी अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनके साथ। तो हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं मनाली की ओर तबीयत तो थोड़ी ख़राब है और पानी बरस रहा है लेकिन हिम्मत को लेके साथ में जज्बे को लेके साथ में निकलना ही पड़ता है और निकल गए हैं। तो भाई हम लोग रुके थे रास्ते में भाई को सुसु करनी थी और मैंने कहा फिर मैं भी कर लूँ क्योंकि अब हम लोग को यहाँ से सीधे 100 किलोमीटर जाना है मनाली 100 किलोमीटर है इधर से और भाई उधर बैठ के किसी को कुछ समझा रहा है पता नहीं क्या। चलो चल के देखते हैं गाड़ी हमारी खड़ी है इधर इसको करते हैं मुझे लगा कितना जाएगा हैंडल लॉक ऑल सेट ग्लव्स उठाता हूँ और चलता हूँ। अब तुम लोग ये बोलोगे मैंने हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई नहीं पहनेंगे कुछ भी हो जाए नहीं नहीं यार ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा 4-5 किलोमीटर तो थोड़ा गाना सुनते हुए चले तो यही है। हेलो अय्यूब की भी तबीयत खराब हो ही रही है फुली भीग चुका अय्यूब अब तो कह रहे एक एक आइबुप्रोफेन प्लस खा लिया जाए तुम भी खा लो हम भी खा ले क्योंकि बुखार होगा और मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है उल्टी उल्टी आ रही है बुखार की वजह से बुखार लगा है नहीं अभी लेकिन लगेगा। यहाँ से अटल टनल अभी भी 20 किलोमीटर नहीं नहीं 15 किलोमीटर बाकी है वो उस साइड से अटल टनल है ये इस रोड से जाती है अटल टनल। यहाँ पे एक जगह मिला है मुझे मैंने अंकल से बोला है कि अंकल आग थोड़ी जला दीजिए तो ये आग जला रहे हैं। सब तो ठीक है लेकिन बस मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो मेरा सर दर्द हो रहा है ये जो फील हो रहा है मुझे ये कब होना बंद होगा बुखार भी नहीं हो रहा है कि दवा मैं खाऊं बुखार की लेकिन ये सर दर्द का क्या करूँ। गाइस ये अंकल ने मैगी बनाई है बहुत ज़बरदस्त हमने भी आई बजे से प्लस खा लिया है अंदर आके बैठ गए और अब लग रही है अंदर से ठंडी इसका मतलब कि बुखार होने वाला था तो मैंने दवाई खा ली ठंडी लग रही तो मतलब बुखार होने वाला था ये हवा चली ना हाँ हवा और ठंडा हो गई हाँ तुमने खाया वो अभी खा रहे जा रहे खा लेना तो कैसा लगा मेरा सिनेमैटिक व्यू इस पे अगर मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने डाल दूँ रील्स पे तो कैसा होगा वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ तो इसमें कुछ सोचने वाली बात बहुत नहीं बहुत देर से यहाँ पे आए हम लोग धूप निकली है बहुत अच्छा लग रहा है। भाई आपका नाम क्या है मोतीलाल जी ने क्या हम बोल रहे थे क्या बिरयानी बनाई क्या मैगी बनाई है बहुत ज़बरदस्त मोतीलाल जी ने मैगी बनाई है और बहुत अच्छा लगा हमको मैगी खा के
और कॉफी पी के, कॉफी भी एक जबरदस्त बनाई है। अब हमारे जा रहे अयूब का पोर्ट्रेट मोड शूट करने। हाँ हाँ समझ रहे हैं, ग्रेडिंग किया जाता है सिनेमैटिक में, लेकिन बिना ग्रेडिंग किए भी बहुत अच्छा सिनेमैटिक शूट हुआ है भाई। ये टीने के पीछे से जो निकला, मैं तो ये सोच रहा हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स का जब ये कमाल है तो आईफोन 15 कितने कमाल का आएगा। आय हाय आय हाय हाय। और इस गाने पे तो मैंने क्या गाना डाला है, तेरा चेहरा रोशनी है तू मोहब्बत तू आशिकी है। तो फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं गाइस, बैग ढीला हो चुका है लेकिन गिरेगा नहीं। 15 किलोमीटर यहाँ से अटल टनल है जैसे कि मैंने इन लोगों को बताया, और धूप थोड़ी निकली तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन धूप ज़्यादा देर की मेहमान नहीं है, जल्दी से चली भी जाएगी और नीचे शाम जल्दी हो जाएगी। चलते हैं अंकल। हाय गाइस, तो फाइनली मनाली पहुंच गए हैं। मनाली में बस भीड़ देखो, मॉल रोड में भीड़ देखो गाइस। ये है मनाली आईबेक्स में मैं रुका था, बहुत बड़े वाले हैं ये लोग। पड़ेगा तब हम बोलेंगे तुरंत, हम चीजें आसान करने को बोल रहे हैं अपने पास जब है तो। ये क्या करती है भाई, निकलने दो पहले वहां से। अरे अल्लाह दर्द, ये जो दर्द मैंने पाला है ना भाई, यही तो मेरी पसंदीदा खाला है। अभी भी सब लोग 80 रुपये भेज रहे हैं। फाइनली गाइस सब सेट हो गया है, अब यहाँ से 8 बजे की बस है और 7:30 बज रहा है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 7 बज रहा है, तो टाइम होगा तो जल्दी से चल के बिरयानी खा ली जाएगी। चलो और चलते हैं। चलो यू चल, इस्लाम हाँ अल्लाह हाफिज़। इसको लेके चले, हाँ आप निकल रहे हैं क्या? गली गली घूमेला हम उनके भवर, जाने से पहले बिरयानी हो जाए यहाँ पे भाई। एक बिरयानी निकाल दो, एक एक ना, दो बिरयानी निकाल दो भाई, याद है। इंश्योरेंस करा लेना चाहिए था, 54 रुपए का हो रहा था। नहीं कराया हमने, आज गाड़ी में बैठ के लग रहा है इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। क्या चला रहा भाई, हमेशा आता हूँ और ये सब लेता हूँ, इमली आम खट्टा, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए होता है खट्टा खट्टा सब कुछ, वैसे मुझे ये भी चाहिए होता है। दैट मीन आई एम नॉट अ प्रेग्नेंट, दैट्स व्हाई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
गाइज मैं इतना डर रहा हूँ ना ये जिस तरह से चला रहा है मुझे, सच में 54 रुपए का अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए था और अय्यूब का भी करा लेना चाहिए था। ये तो पता नहीं जरा से मैंने तारीफ क्या कर दी। खैर बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं अगर ज़िंदा रहें तो। दिल्ली में आप लोग से मुलाकात होगी और अभी भी मैं बस में हूँ। अल्लाह खैर, मैं बस अच्छे से